हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये लेक्चर नंबर 12 है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेसिंग मोड को समझने से पहले और 8051 माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ऑपकोड और ऑपरेंड्स क्या कहलाते हैं, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और ऑपरेंड प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑपकोड। ऑपकोड बेसिकली एक ऑपरेशनल कोड होते हैं जो इंस्ट्रक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में गिवन होते हैं। ये ऑपकोड सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना है एक इंस्ट्रक्शन का यूज करके। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गए, या फिर आपके शिफ्ट, मूव, कॉपी इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो कमांड होती है उन्हें हम कहते हैं ऑपकोड। नेक्स्ट है ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली एक डेटा होता है। ये डेटा आपका कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन में, किसी भी रजिस्टर में, या ये एक न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है। ऑपरेंड्स हमेशा राइट हैंड साइड में स्पेसिफाई होते हैं इंस्ट्रक्शन के। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों है। ऑपकोड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो ऑपरेशनल कोड होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा मूव ऑपकोड है और ऑपरेंड हमेशा राइट हैंड साइड में गिवन होते हैं, तो ए कॉमा बी हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड होते हैं, तो पहला वाला जो ऑपरेंड होता है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है और जो बाद वाला ऑपरेंड होता है वो सोर्स ऑपरेंड होता है। अब अपन देखते हैं एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है कि एड्रेसिंग मोड डिफाइन करते हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर को कैसे डिफरेंट तरीके से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। या हम कह सकते हैं एड्रेसिंग मोड एक मेथड होती है जो हमें बताती है कि इंस्ट्रक्शन में हम ऑपरेंड्स को कैसे स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हैं एड्रेसिंग मोड की। एड्रेसिंग मोड डिफाइन वेरियस वे थ्रू विच वी कैन गिव इनपुट टू द माइक्रो कंट्रोलर, और वी कैन से दैट एड्रेसिंग मोड डिफाइन द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। तो ये कहलाता है एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट तरीके से ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 एड्रेसिंग मोड दिए हैं। पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तीसरा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और लास्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सारे एड्रेसिंग मोड एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस टाइप के एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड होता है वो एक स्पेसिफिक रजिस्टर में प्रेजेंट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, और यूजर को केवल इंस्ट्रक्शन में उस रजिस्टर को स्पेसिफाई करना होता है जहां पे वो ऑपरेंड या डेटा स्टोर होता है। तो वो इंस्ट्रक्शन वहां से डेटा को फेच करेगा और यूज करेगा। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के लिए जो रजिस्टर परमिट किए गए हैं या फिर अलॉट किए गए हैं वो है हमारा एक्युमुलेटर रजिस्टर और हर रजिस्टर बैंक के R0 से R7 रजिस्टर। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जहां पे हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो 8051 की रैम होती है उसमें 32 बाइट का एक जो एरिया होता है वो अलॉट किया गया है रजिस्टर बैंक के लिए। इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। हर एक बैंक में 8-8 रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो वो रजिस्टर है R0 से लेकर R7, हर रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर है। तो इस तरह से 4 रजिस्टर बैंक है और हर बैंक में 8-8 रजिस्टर हैं और हर रजिस्टर 8 बिट का है। तो
तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के। पहला एग्जाम्पल है मूव ए कॉमा बी। ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि जो बी रजिस्टर में कंटेंट है या डेटा है उसको कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा आर फाइव। ये इंस्ट्रक्शन बताता है माइक्रो कंट्रोलर को कि जो आर फाइव रजिस्टर में डेटा है उसको कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट है ए डी डी ए कॉमा आर फाइव। ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि जो आर फाइव रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसको ऐड करो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और जो रिजल्ट आए उसको स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, जहां पे ऑपरेंड को हम स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक रजिस्टर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। और ये स्पेसिफिक रजिस्टर कौन से हैं? हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, चारों रजिस्टर बैंक के R0 से R7 रजिस्टर। अब अपन देखते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन में या जिस रजिस्टर में ऑपरेंड स्टोर होता है उसका डायरेक्ट एड्रेस, यानी उस मेमोरी लोकेशन का और उस रजिस्टर का डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है, जहां से हम ऑपरेंड को फेच करके यूज कर सकते हैं। और इसके लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रैम और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ही यूज किए जाते हैं जिनका एड्रेस स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा 30H। इस इंस्ट्रक्शन में जो 30H है वो मेमोरी लोकेशन है रैम की, और ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि 30H मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है उसको मूव करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव 80H कॉमा R6। ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि R6 रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसको मूव करो या कॉपी करो 80H मेमोरी लोकेशन में रैम की। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव R2 कॉमा 45H। ये बताता है कि 45H मेमोरी लोकेशन में, यानी जो रैम की मेमोरी एड्रेस है 45H, वहां पे जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करो R2 रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव R0,05H। ये बताता है कि 05H मेमोरी लोकेशन में, यानी जो रैम का एड्रेस लोकेशन है 05H, वहां पे जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करना है R0 रजिस्टर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। नेक्स्ट अपन देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट इमीडिएट डेटा या ऑपरेंड ही स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन में, या हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन में डेटा को स्पेसिफाई करते हैं और उस डेटा को हम हैश साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस डेटा के पहले यानी प्रीफिक्स में हम हैश साइन का यूज करते हैं। ये हैश साइन इंडिकेट करता है इमीडिएट डेटा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के। पहला एग्जांपल है मूव ए कॉमा हैश 05H। यहाँ पे हैश जो है वो बता रहा है कि ये 05H एक मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये एक इमीडिएट डेटा है या एक डेटा है, और इस डेटा को हमें मूव करना है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एड ए कॉमा हैश 024H। इस इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट डेटा कौन सा है? 024H, क्योंकि यहाँ पे हैश लगा हुआ है, यानी ये एक इमीडिएट डेटा है, ये मेमोरी लोकेशन नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है माइक्रो कंट्रोलर से कि इस इमीडिएट डेटा को ऐड करो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और इसका रिजल्ट स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव R3 कॉमा हैश 45H। हैश 45H इमीडिएट डेटा है, इस डेटा को कॉपी करो R3 रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और लास्ट इंस्ट्रक्शन है मूव DPTR कॉमा हैश 4622H। यहाँ पे ये जो DPTR है वो डेटा पॉइंटर रजिस्टर है, ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है जिसको दो 8-8 बिट रजिस्टर में डिवाइड किया गया है, DPL और DPH रजिस्टर।
जो DPL रजिस्टर होता है वो डेटा के लोअर बाइट को कंटेन करता है और जो DPH रजिस्टर होता है वो डेटा के हायर बाइट को कंटेन करता है। तो यहाँ पे ये जो इमीडिएट डेटा है यानी 4622H जो डेटा है वो भी ये भी एक 16 बिट डेटा है। तो इस 16 बिट डेटा को 88 बिट डेटा में हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो लोअर बाइट होंगे वो होंगे 22। इस 22 को हम DPTR के DPL रजिस्टर में स्टोर करेंगे लोअर डेटा पॉइंटर रजिस्टर में, और जो हायर बाइट है 46 उसको हम DPTR के DPH हायर डेटा पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर करेंगे और मूव करेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का जहां पे डेटा स्टोर है उस एड्रेस को मेमोरी लोकेशन के हम इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर की हेल्प से एक इंस्ट्रक्शन में। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम जहां पे डेटा स्टोर है उसके एड्रेस को इनडायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो जहां पे डेटा स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को हम स्टोर करते हैं एक रजिस्टर में और वो रजिस्टर हम स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एट द रेट साइन से। एट द रेट साइन ये इंडिकेट करता है कि इस रजिस्टर में जो भी एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां पे डेटा स्टोर है, तो उस डेटा को फेच करो उस मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस एक पर्टिकुलर रजिस्टर में स्टोर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। पहला एग्जाम्पल है मूव ए कॉमा एट द रेट आर जीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंस्ट्रक्शन में एट द रेट आर जीरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इसमें ये जो इनडायरेक्ट रजिस्टर है आर जीरो रजिस्टर है वो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जहां पे डेटा स्टोर है, और ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को ये बताता है कि R0 रजिस्टर में जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को कॉपी करो एक्युमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव 0E5H कॉमा एट द रेट R0। यहाँ पे एट द रेट का साइन इंडिकेट कर रहा है कि R0 रजिस्टर में जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लिखा है उसके कंटेंट को स्टोर करो इस मेमोरी लोकेशन में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव एट द रेट R1,80H। ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि 80H मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करो उस मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस R1 रजिस्टर में दिया हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का बेसिकली हम यूज करते हैं जब भी हमें एक्सेस करना होता है डेटा को एक्सटर्नल मेमोरी से या फिर लुकअप टेबल से। ये लुकअप टेबल क्या कहलाता है? लुकअप टेबल बेसिकली प्रेजेंट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम मेमोरी में यानी रोम में, और इस लुकअप टेबल का बेसिकली हम तब यूज करते हैं अगर हमें कोई डिफरेंट टास्क परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि हमें LCD में कुछ डिस्प्ले करना है या फिर हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले करना है तो हम लुकअप टेबल का यूज करते हैं, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर करना होता है तो हम लुकअप टेबल का यूज करते हैं। तो ये जो लुकअप टेबल है वो कंटेन करता है ऐसे प्रोग्राम को या ऐसे इंस्ट्रक्शन को जो इस टाइप की टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो इस टाइप के जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है उसका हम यूज करते हैं जब भी हमें एक्सेस करना होता है डेटा को एक्सटर्नल रैम से या फिर ऑन चिप रोम से या फिर लुकअप टेबल से। मोस्ट वाइडली लुकअप टेबल से ही एक्सेस करने के लिए डेटा को हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है इसमें मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस DPTR। इस इंस्ट्रक्शन में जो सी है वो बता रहा है कोड मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी जहां से हमें डेटा को एक्सेस करना है, और यहाँ पे जो एट द रेट ए प्लस DPTR है, DPTR एक डेटा पॉइंटर रजिस्टर है,
यहाँ पे एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर बता रहा है कि ये एकोमुलेटर रजिस्टर के जो भी कंटेंट है उसको ऐड करो डेटा पॉइंटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एड्रेस होगा उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे डेटा स्टोर है, और उस डेटा को कॉपी करो एकोमुलेटर रजिस्टर में। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर दिया है। यहाँ पे सी इंडिकेट करता है कोड मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी जहां से हमें डेटा को एक्सेस करना है, और ये जो है वो हमारा सोर्स ऑपरेंड है। सोर्स ऑपरेंड बता रहा है एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर, यानी एक्युमुलेटर रजिस्टर का जो भी कंटेंट है उसको एड करिए डीपीटीआर रजिस्टर के कंटेंट के साथ, और जो भी रिजल्ट आए वो हमारे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहां पे डेटा स्टोर है, उस डेटा को कॉपी करो एक्युमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव सी ए कॉमा एट द रेट ए प्लस पीसी। ये बता रहा है यहाँ पे अगेन सी दिया है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम मेमोरी या कोड मेमोरी है जहां से हमें डेटा को एक्सेस करना है। एट द रेट ए प्लस पीसी बता रहा है कि एक्युमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसको प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट के साथ ऐड करिए, और जो भी रिजल्ट आता है वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहां पे डेटा स्टोर है, तो उस डेटा को कॉपी करना है हमको एक्युमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट और लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसका मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर। अभी तक अपन ने देखा था मूव सी, अब यहाँ पे है मूव एक्स। एक्स का मतलब है एक्सेस डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी। अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना है तो हम एक्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे एट द रेट ए प्लस डीपीटीआर बता रहा है कि एक्युमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट को डीपीटीआर रजिस्टर के कंटेंट से ऐड करो, जो भी रिजल्ट आए वो एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे डेटा स्टोर है, उस डेटा को कॉपी करो एक्युमुलेटर रजिस्टर में। तो ये कहलाता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे एड्रेसिंग मोड वन बाय वन एक्सप्लेन किए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो।